सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों आज धुलने जा रहे हैं कपड़े, तो कपड़ों का लगा हुआ है ढेर ढेर सारे कपड़े हो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मशीन नहीं लगाई थी तो अब आज लगा ली है मशीन। तो आज दिन भर यही काम होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम इसमें 3-4 घंटे मेरे लग जाते हैं, छत पे डालना, इनको धोना करना सब करके तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये सब फैलाने से मतलब ये है कि कुछ जो साफ साफ कपड़े थे पहले डाल रही थी, और ये देखिए तो कुछ कपड़े हो गए हैं, तो मैंने कहा इनको हाथों हाथ निकाल देती हूँ यहीं पे बैठ के। तो बेटा मेरी हेल्प कर रहा था, हेल्प क्या, बहुत सारा काम तो वही कर रहा था। तो ये बस चादर वगैरह, मैंने कहा इनको जो है जो भारी भारी हैं उन्हें धुल के यहीं पे ही मशीन में ही सुखा लेंगे, क्योंकि ये सूखने की नहीं है फिर, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, छत में इतने कपड़े आते नहीं हैं। तो ये सब मैं यहाँ पे कर रही थी, इन्हें धो रही थी और हाथों हाथ, और बेटा मेरी हेल्प कर रहा था। तो देखिए किस तरीके से लगी हुई हूँ कपड़ों पे। तो फ्रेंड छत पे आई थी कपड़े डालने, तो छत का ये हाल हो रहा है, और यहाँ पर सारे कपड़े डलने वाले नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो इसलिए यहाँ का वीडियो नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो छत दिखा देती हूँ आपको अपनी, क्योंकि इतनी सी जगह है और इतनी सी जगह में कपड़े डालना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इसीलिए जो है मैंने कहा चलो सब एक के ऊपर एक कपड़े डाल लें, और टाइम भी बहुत लग जाएगा, धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ, जो है वीडियो बनाना बिल्कुल सही नहीं है इस टाइम पे। और ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी छत, और यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ है, और ये देखिए यहाँ पर सब, इतनी जगह नहीं है कि मेरे सारे कपड़े सूख जाएं, तो कुछ मुझे नीचे डालने पड़ेंगे और कुछ मुझे ऊपर डालने पड़ रहे हैं। तो मैंने करीबन करीबन सारे कपड़े वगैरह डाल दिए थे और मैं आ गई हूँ नीचे। और आज बना रही हूँ फिर मैं दाल चावल, क्योंकि बहुत ही अच्छा, मतलब एक आसान सा रहता है दाल चावल बनाने का, कोई ज़्यादा परेशानी वाली चीज़ रहती नहीं है। मैं बना रही हूँ दाल और चावल, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ आपके साथ थोड़ा बहुत शेयर, क्योंकि बाकी शेयर करने को कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर मैंने कहा टमाटर जो है बेटा वैसे तो खाता नहीं है, क्योंकि उसको निकाल निकाल के खा लेता है, तो चॉपर से मुझे बहुत इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इसमें टमाटर बहुत अच्छे से मतलब वो हो जाते हैं, तो बिल्कुल निकाल ही नहीं सकता कोई, तो ये फ़ायदा मुझे हो रहा है और इसका फ़ायदा मैं उठा भी रही हूँ। और ये देखिए मैंने इसमें जो है प्याज तो मैं डालूंगी नहीं है, मतलब जीरे का ही तड़का लगाऊंगी, और कर दिए हैं टमाटर बढ़िया से, और मैं बनाती हूँ दाल चावल। तो देखिएगा आप लोग मैं कैसे बना।
बन रख दिया है मैंने सब दोनों चीज़ें बनने को, और यहाँ पर हो गया है सब कुछ रेडी। तो आ जाइए आप लोग भी दाल चावल खाने के लिए, यहाँ पर हमने थाली लगा रखी है, तो आप लोग भी आ जाइए। चावल बन गए हैं फर्स्ट क्लास, दाल भी बन गई है, और यहाँ पे सलाद तो रखता ही रखते हैं, आजकल हम गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा प्याज खाते हैं। और ये देखिए चावल भी बहुत अच्छे से बने हैं और दाल भी बहुत ही टेस्टी बनी है, और ये देखिए है ना बढ़िया मज़ेदार। और ये देखिए टमाटर जो है ना, मैंने कुछ वैसे ऊपर से काट के रख दिए थे क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं इस तरीके के टमाटर, तो इसे छाट लूँगी मैं, टमाटर खा लूँगी और बेटा इस तरीके से खा लेगा। तो बस हो गया हमारा खाने का काम, और सारी रसोई भी साफ़ हो चुकी है, चकाचक रसोई भी साफ़ कर दी है। तो देखिएगा किस तरीके से मैं दिन में भी रसोई, अगर मेरी तबीयत ठीक हो तो, नहीं तो फिर तो सब कुछ ऐसे ही रहता है। और ये सब बर्तन ऊपर वगैरह लगा चुकी थी, और ये देखिए मैंने कहा दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा किचन का व्यू। तो ये देखिए किचन वगैरह मेरी सारी साफ़ हो गई है, बस अब रात शाम की चाय बननी रह गई, तो वो बेटा बना के दे देता है मुझे, और ज़्यादातर यही होता है कि वही बनाता है। तो ये देखिए बस मैंने कहा चलो दिन का काम हो गया है, अब शाम को कपड़े लेकर आऊँगी। तो ये देखिए सारे कपड़ों की तह लगा दी गई है, अभी मेरी साड़ियाँ वगैरह जो छोटे कपड़े हैं वो सारे इधर उधर फैल रहे हैं क्योंकि सूखे नहीं थे, क्योंकि कुछ कपड़े मैंने नीचे ही सुखा दिए थे। ये देखिए अभी ये कुछ कपड़े ऐसे हैं, ये मैंने सारे जितने मास्क थे यहाँ पे भी लटका रखे हैं, अभी मेरे पूरे घर में कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। बस ये बड़े बड़े कपड़े थे जो चादर वगैरह थे, ये कपड़े मैंने अभी तह लगाए हैं, और ये मैंने कहा आपके साथ दिखा देती हूँ, बाकी को तो टाइम लग जाए, एक दो दिन तो लग ही जाएंगे मतलब उनको सेट करने में, क्योंकि यहाँ पे सारी चादरें वगैरह हैं और एक आधा मेरे सूट वगैरह हैं, बाकी सारे कपड़े इधर उधर लटंगे हुए हैं अभी, क्योंकि सारे कपड़े छत पे नहीं डाले थे, सब ज़्यादातर नीचे ही थे, तो इस करके सब इस तरीके से हो रहा है, पूरे घर में कपड़े ही कपड़े। और ये बहुत मेरी चोरी छिपे मेरी फोटो बन मतलब वीडियो बनाता है, तो मैंने कहा चलो इसका वीडियो बनाती हूँ चुपचाप से। तो उसको पता नहीं था कि मेरे यहाँ पर मम्मी शूट कर रही है, तो बोल रहा था क्या कर रही है, तो मैंने उसकी बनाई ये वीडियो, कह रहा मत बनाओ मेरी वीडियो। तो बस ये देखिए क्या हाल हो रहा है यहाँ पे, और कह रहा मम्मी ऐसा क्यों बना रही हो, ऐसा सही नहीं लगता। तो ये देखिए कपड़ों का हाल और ये मेरे बेटे का हाल, अपनी बारी आती है, ये देखो इसको, ये उसने सोचा कैमरा रख दिया है तो अपने बालों की सेटिंग देख रहा है, क्योंकि अभी कुछ एक दो दिन पहले ये सेट करा के लाया है इसे। और ये देखिए लग रहा है ना स्मार्टी स्मार्टी। तो देखिए कपड़े वगैरह हो गए हैं सब ठीक ठाक, तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ के, बाय, गुड नाइट।